सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बड़े हैं और डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम अपने बोट्स रोक 550 का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ हम साउंड टेस्ट, कॉल क्वालिटी, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एंड इसका गेमिंग रिव्यू के साथ साथ लाइक कूल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या ये आपको परचेज करने चाहिए, बेटर डील है या आप किन्हीं और हेडफोन की तरफ जा सकते हैं। तो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बोट के हेडफोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देखिए। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो मे बी आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेस्टेक। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी डिले के। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात प्राइस क्या है एंड फर्स्ट लुक इन हेडफोन का कैसा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लुक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। आप कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो पहले तो उसका लुक ही देखेंगे, बाद में फीचर वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे। तो लुक वाइज आप यहाँ से पास से देख सकते हैं लाइक काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है, क्योंकि ये ओवर ईयर हेडफोन है, इन ईयर नहीं है, ओवर हेड आप हेडफोन बोल सकते हैं इनको। बीच में दोनों साइड बोट का आपको लोगो मिल रहा है एंड जो क्वालिटी है कुशन की, ऊपर वाले कुशन की क्वालिटी भी ठीक है, बेटर है। मैं लेटर ऑन आपको एनर्जी सिस्टम के हेडफोन भी दिखाऊंगा, बट अभी बात कर लेते हैं इन पे। तो जो ये कुशन है यहाँ पे, इसकी क्वालिटी भी सही है, लेकिन मैं थोड़ा वरीड हूँ लाइक लॉन्ग टर्म पे ये निकलने तो नहीं लग जाएगा एंड अदर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट वो हम जब इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर लेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी सही है, काफ़ी कुशन की फील आती है अच्छी खासी। ओके एंड आप इनको यूज़ कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। फिजिकल ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको ऑन हेड पे लगा के देखते हैं। तो आप जैसे ही इनको पुट करेंगे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा लाइक जो एनवायरमेंटल नॉइस है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इस पर फिज़िकल नॉइज़ कैंसिलेशन है ना कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। ओके, तो फिज़िकल नॉइज़ कैंसिलेशन तभी वर्क करती है जब इसको आप ऑफ कंडीशन में भी अगर पुट कर लेते हैं हेड पे, देन वो आपको थोड़ा इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, बात करते हैं आपके राइट साइड की। राइट साइड में आपको यहाँ पे ये पावर बटन मिल रहा है, फिज़िकल पावर बटन। वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से आप म्यूज़िक, अगर आप अप वाला होल्ड करके रखते हैं देन म्यूज़िक आपका नेक्स्ट पे चला जाता है, अगर माइनस वाला होल्ड करके रखते हैं तो प्रीवियस म्यूज़िक प्रीवियस ट्रैक पे ये आ जाता है। ओके, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। राइट साइड में आपको बॉटम पे एक आपका LED बटन दिखाई दे रहा है, LED लाइट दिखाई दे रही है एंड एक 3.5 mm जैक, उसके साथ आपको एक जो है USB पोर्ट एंड ये एक आपका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके एंड ठीक है, आप इसको ऐसे टर्न भी कर सकते हैं एंड थोड़ा एक्सपेंड चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये थोड़ी क्लिकी फील आ रही है यहाँ पे मटेरियल की वजह से। तो ओवरऑल फिज़िकल ओवरव्यू, फिज़िकल लुक में मैं इन हेडफोन को 10 में से 9 मार्क दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा है एंड आपको अलग अलग कलर ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं अमेज़ॉन से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, तो फिज़िकल ओवरव्यू हो गया गाइस। फिज़िकल ओवरव्यू के बाद बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी कैसी है, बास कैसा है एंड उसके बाद मूव करेंगे फर्दर जो साउंड के पैरामीटर्स होते हैं एक हेडफोन को लेने के लिए, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, सो हम अपने स्मार्टफोन से कनेक्टेड हैं एंड मैं आपको एक म्यूज़िक यहाँ पर सुना रहा हूँ, तो आप सुन सकते हैं ये इसकी फुल वॉल्यूम है। मैं मैक्स वॉल्यूम पे आइए, आपको अलग भी देता है। तो आप सुन सकते हैं कितनी लाउड है, अगर मैं इनको पुट कर लेता हूँ तो आप इस पे इफेक्ट देखिए। तो काफी लाउड है ये, आप यहाँ से इसको 1-1 टाइम प्रेस करके वॉल्यूम इसके डिक्रीज कर सकते हैं एंड अगर आप इसको
ऐसे करके रखेंगे, देन प्रीवियस ट्रैक आ जाएगा, अगर प्रीवियस ट्रैक नहीं होगा तो वही ट्रैक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसके फीचर में आपको बताया था। ओके, तो आपने साउंड क्वालिटी सुन ली, कितने लाउड हैं ये, काफ़ी लाउड एंड क्लियर वॉइस है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है एज वॉइस में। बट बात कर लेते हैं डिफरेंट पैरामीटर की, डिफरेंट पैरामीटर क्या है क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। साउंड क्वालिटी नो इशू, कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो कल मैंने इनको यूज़ करते हुए कॉल क्वालिटी टेस्ट की, एंड कॉल क्वालिटी का रिजल्ट मैं आपको इस साइड से दूंगा। मैं कॉल क्वालिटी, पहले साउंड क्वालिटी में इसको 10 में से 8.5 मार्क आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे हेडफोन है। बट कॉल क्वालिटी में मैं इनको अराउंड 6 नंबर ही दूंगा 10 में से। रीज़न क्या है, ये जो बैकग्राउंड नॉइस है, इवन आपके फ़ैन की नॉइस है, वो भी काफ़ी कैप्चर करता है। तो कल मैं ऐसे ही लाइक नॉर्मल फ़ैन के नीचे बैठा हुआ था एंड बात कर रहा था, देन काफ़ी डिस्टर्बेंस तो नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस, जैसे हम बाहर की साइड है, बाहर हैं कहीं पे, उस टाइप की एयर जो डिस्टर्बेंस होती है, वैसी डिस्टर्बेंस आ रही थी इवन फैन में। अगर आप एयर कूलर वगैरह यूज़ करें दैन मे बी रिजल्ट और बैड हो सकते हैं, बट स्टिल ठीक है। कॉल क्वालिटी, सामने वाले की कॉल आपको ढंग से सुनाई देगी, एक माइक्रोफोन होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। नॉइज़ कैंसिलेशन आपका ठीक है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, बट स्टिल नॉइज़ कैंसिलेशन फिजिकल है। तो आप कॉल पे बात करेंगे, साइड में जो डिस्टर्बेंस होगी वो एटलीस्ट थोड़ी कम होगी। बात कर लेते हैं लेटेंसी एंड गेमिंग। ओके, तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन हेडफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गेमिंग कर रहे हैं, देन लेटेंसी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत लेटेंसी आप एक्सपीरियंस करेंगे। बट जैसे यहाँ पे एक नीचे 3.5 mm वाला जैक दिया हुआ है, अगर आप उसको कनेक्ट करके खेलेंगे, गेम अगर प्ले करेंगे, देन लेटेंसी नहीं आएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक वायर्ड हेडफोन से खेल रहे हैं, तो कोई भी गेम पबजी हो या आपका COD हो, वहाँ पे लेटेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट स्टिल मैं आपको जो TWS होते हैं उनसे बेटर यहाँ पे इनमें लेटेंसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेटेंसी मोड में भी, तो वो भी बेटर है। मैं आप 7 मार्क दूंगा इसको 10 में से लेटेंसी में। ओके, वर्थ 2000 rupees, अब तक सब कुछ सही जा रहा है। बट बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की, इंक्लूडिंग बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक हेडफोन को यूज़ करने में। ये टीरलेस नहीं है, आप एक ईयरफोन यूज़ नहीं कर रहे, उसको आप केस में रख दीजिए, चार्ज कर लीजिए, वैसा सिस्टम नहीं है। ओके, तो बोट यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हेडफोन 500 mAh बैटरी के साथ आते हैं। 500 mAh एक हेडफोन में, ईयरफोन में काफ़ी बड़ी बैटरी हो जाती है। तो इस बैटरी के साथ इन हेडफोन में आपको करीबन 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जो बोट क्लेम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैटरी बैकअप 20 घंटा यहाँ पे बोट क्लेम कर रहा है। ओके, बट एक्चुअल में जो बैटरी बैकअप, बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस की मैंने, वो इनकी करीबन आपका 14 से 16 घंटे था। मे बी वॉल्यूम एक रीज़न हो सकता है, अगर आप इनको हाई वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली जो साउंड की वजह से बैटरी बैकअप एंड बैटरी ड्रेनेज पे इफ़ेक्ट होता है, तो वो एक रीज़न है। तो अगर आप इसको मैक्सिमम वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपका 20 to 30% इवन 40% भी डिक्रीज हो सकता है, लाइक 40% तक वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट अगर आप 50% या 70% यूज़ करेंगे, देन कोई भी इशू नहीं है। अगर आप चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो एक 500 mAh की बैटरी को चार्ज करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो एज़ पर बोट आप यहाँ पे जो ईयर चार्जर यूज़ कर सकते हैं, वो एक 10W का चार्जर है। ओके, 5V2E। तो उसके अलावा ज़्यादा बड़ा चार्जर लाइक एक 60W, 30W चार्जर, ये बोट आपको रिकमेंड नहीं करती, बोट कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि आप यूज़ कीजिए बोट रोकर्स 550 के लिए। बट स्टिल
अगर आपके पास एक नॉर्मल 10 वोल्ट का चार्जर नहीं है, आप 15 या 20 वोल्ट का चार्जर, 25 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप हाई कैपेसिटी वाला चार्जर यूज़ करेंगे देन आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में ये हेडफोन यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उससे आपको एक साथ तो एक बात तो पता नहीं चलेगा कि जो बैटरी लाइफ है वो इतना ड्रेन क्यों हो रहा है, बट धीरे 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 जो बैटरी लाइफ है वो कम होती चली जाएगी एंड आपको प्रॉब्लम आएगी लेटर ऑन बैटरी बैकअप के साथ। तो मुझे बैटरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी लाइफ में ये आपको, मैं आप इस हेडफोन को 8 मार्क दे रहा हूँ 10 में से, बट चार्जिंग टाइम एक 10 वोल्ट के चार्जर के साथ 2.5 घंटा काफ़ी ज़्यादा, बोट को कुछ करना चाहिए था, लाइक फास्ट चार्जिंग वगैरह, रैपिड चार्जिंग वगैरह कुछ तो देना चाहिए था जिससे चार्जिंग टाइम एटलीस्ट कम हो। 2.5 घंटा में आपको चार्जिंग वीडियो नहीं दिखा सकता एंड हमें बैटरी लाइफ का भी पता नहीं चलता। अगर आप बैटरी यूज़ इसको चार्ज करें, इसमें कोई भी जैसे डिजिटल होता है बैटरी परसेंटेज वो नहीं है, आपके स्मार्टफोन में ही दिखाई देगी, स्मार्टफोन से कनेक्ट है देन बैटरी लाइफ डिक्रीज होगी, बेसिकली कनेक्ट है मतलब यूज़ में है। तो कंप्लीट रिव्यू की बात कर लेते हैं इन हेडफोन के एंड क्या मेरे रिकमेंडेशन है। तो आपने जो मार्क्स वगैरह हैं उसके सुन लिए बोट्स के, तो एज़ पर माई ओपिनियन 2000 रुपये में कोई भी बैड डील नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल दैट मिल रहा है 1800-1600 या कुछ इतने में पड़ रहा है तो बेस्ट हेडफोन है इस प्राइस रेंज में बोट की ओर से। बोट वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में से एक है वीरेबल में, ओके उस टाइम पहले थी, अभी मेरे को करंट रैंकिंग नहीं पता, स्टिल नाइस डील, जा सकते हैं आप इनके लिए एंड मैं आपको 80% रिकमेंड कर रहा हूँ ये। स्टिल आपके पास कुछ और चॉइसेस हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हैं, बट एज इंडियन ब्रांड आप डेफिनेटली अगर एक इंडियन ब्रांड की ओर जाएंगे इसको परचेज करेंगे काफ़ी सही है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं नीचे अगर जो लिंक है उससे आप परचेज करें तो मुझे भी कुछ उसका परसेंटेज मिलेगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।